विनेश फोगाट का सफर अचानक से रुक गया तो ओलंपिक में एक और गोल्ड का सपना भी चकनाचूर हो गया। जिन आंखों में खुशी थी गोल्ड अपनी चोरी लाएगी ये उम्मीद थी, वो अब सूनी है तो कहीं पर छलक भी जा रही है। सोशल मीडिया पर जहां पहले विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर बधाइयों का सिलसिला था, अब वहां खामोश सवाल है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का भी बड़ा संदेश आ गया, जो कहा जा रहा था कि क्या पीएम मोदी भी विनेश की पीठ थपथपाएंगे। जो पूछा जा रहा था कि इन बधाइयों में देश के पीएम की बधाई कहां, तो बोले हैं पीएम, लेकिन विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने विनेश को हौसला थमाया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गर्व हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। इससे पहले जैसे ही विनेश फोगाट के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने की खबर आई, विनेश के ताऊ और गुरु महावीर फोगाट रोने लगे, कहने लगे दिल तोड़ने वाली बात। फालतू रह गया तो कुछ डिफाइज कर दी, कोई मैटर नहीं है। फोगाट साहब, इसका कोई हल हो सकता है कि रूल बुक के हिसाब से? कोई हल नहीं हो सकता, कोई हल नहीं। आगे का क्या करेंगे फोगाट साहब? बहुत बड़ा दुख है, एकदम पास से लौटना इस समय। चलो आगे फिर कोशिश करेंगे 2028 के लिए लगाएंगे, फिर करेंगे कोशिश। दरअसल विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। कहा गया कि ये खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की जानकारी मिली है। टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज्यादा था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वहीं अगर पेरिस में विनेश फोगाट के परफॉर्मेंस की बात करें तो विनेश ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की लोपेज गुजमैन को हराया था। इससे पहले विनेश फोगाट ने जापान की सुसाकी यू को हराते हुए दमदार आगाज किया था। जापानी पहलवान ओलंपिक की गोल्ड मेडल विनर थी, जिसे विनेश ने एकदम फिल्मी अंदाज में हराया था। विनेश के लिए सब इतना आसान नहीं था। विनेश फोगाट ने अपना करियर दांव पर लगाते हुए कुश्ती फेडरेशन के उस वक्त के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो बीजेपी के बाहुबली सांसद भी थे। उस दौरान विनेश पर राजनीति के आरोप भी लगे थे। वहीं दूसरी तरफ चोट से भी विनेश का करियर खतरे में पड़ा था, लेकिन सारी परेशानियों का जवाब देते हुए विनेश ने जो परफॉर्मेंस दी, उसकी वजह से विनेश पर हर कोई गर्व कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।